वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। माय नेम इज पंकज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हमें सीएम पंक वर्सेस कैंटा जो कि जल्दी देखने को मिलने वाला है, एंड पॉल हेमन ने रोमन रेंस के बारे में क्या कहा, एंड रोंडा राउजी का हमें कमेंट देखने को मिला जिसके ऊपर फैंस एंग्री हो गए, एंड कौन सी डब्ल्यूडब्ल्यूई की टैग टीम जो कि हमें एईडब्ल्यू के अंदर देखने को मिली। सो इन सारी थिंग्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं। वेल फर्स्ट थिंग जो कि कैंटा और सीएम पंक की तरफ से आ रही है, तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि अभी सीएम पंक के हमें रूमर्स देखने को रहे हैं, एंड ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब हमें वो AEW के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड सारी चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हैं। सो वेल यहां पे सीएम पंक के लिए एक पहला चैलेंज हमें देखने को मिल चुका है, एंड वो चैलेंज मिला है केंटा की तरफ से। तो वेल केंटा को तुम लोग सभी लोग जानते ही रहोगे, एंड केंटा वही है जिन्होंने जो कि सीएम पंक का फिनिशर है गो टू स्लीप उसका जो कि इन्वेंट किया है। वेल तो अगर ये मैच होता है केंटा वर्सेस सीएम पंक, तो भाई GTS वर्सेस GTS हमें देखने को मिलेगा, जहां पे गो टू स्लीप हमें उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि हमें AEW के अंदर कुछ नाम दूसरा देखने को मिले। सो देखना ओवरऑल इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड इन्वेंट तो केंटा ने किया है, तो वेल देखते हैं हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। अगर इनका मैच होता तो वेल ओवरऑल बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि कोडी रोड्स की तरफ से आ रही है, तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि कोडी रोड्स को रिसेंट के इंटरव्यू में पूछा गया इनसाइड द रोप्स की तरफ से, तो वेल वहां पे पूछा गया कि क्या हमें ब्रे वाइट AEW के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो वेल यहां पे कोडी रोड्स ने कहा कि वेल अगर विदम रोटुंडा यानी कि ब्रे वाइट अगर वो AEW के अंदर आना चाहेंगे तो उनके लिए डोर जो कि हमेशा ही ओपन है, एंड वो आ सकते हैं। वेल इसके बाद तो उन्होंने जो कि ब्रे वाइट की खूब तारीफ भी की, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हमें फ्यूचर में ये चीज देखने को मिल जाए जहाँ पे कोडी रोड्स साइन कर मतलब कोडी रोड्स यहाँ पे बुला ले ब्रे वाइट को, एंड फिर ब्रे वाइट हमें AEW के अंदर देखने को मिल सकते हैं, एंड इनके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। सो वेल देखते हैं क्या थिंग्स देखने को मिलती है आगे चल के। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि विंस मैकमैन का हमें कमेंट देखने को मिला था रिसेंटली कि वो AEW को WCW के बराबर भी नहीं मानते। सो वेल यहां पे क्रिस जेरिको का एक हमें कमेंट देखने को मिला उनकी तरफ से, क्रिस जेरिको की तरफ से। वेल उन्होंने कहा कि WWE भले से अपने कंपनी की तरफ ध्यान दे दे, वेल वो कंपटीशन हमें नहीं मानते, वेल हम लोग किसी को केयर भी नहीं करते, क्रिस जेरिको का ये कहना था, एंड हम लोग अपनी कंपनी की तरफ ध्यान दे रहे तो हम लोग को किसी की तरफ केयर भी नहीं करते। वेल क्रिस जेरिको ये वही है जो कह रहे हैं कि इनके ही कंपनी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो मतलब एडी किंगस्टन एंड ये लोग हमेशा ही जो कि WWE को बार बार टॉन्ट मारते रहते हैं। तो वेल मतलब क्रिस जेरिको ऐसा कह सकते हो यार, कैसे कह सकते हो ऐसा यार, मतलब ये तो वही हिपोक्रेसी वाली बात हो गई फिर। वेल वैसे आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि एडम कोल की तरफ से आ रही है, तो वेल जैसा कि तुम लोग को रिसेंटली पता चला कि एडम कोल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमें खत्म होते हुए दिखाई देगा। सो वेल यहां पे वो थिंग हमें देखने को मिल रहा है कि WWE ने वापस से एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एडम कोल को ऑफर कर दिया है, एंड वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट है जिससे एडम कोल जो कि NXT के मतलब WWE के लिए हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन हो जाएंगे, एंड फिलहाल तो अभी ऑफर किया है, एंड साइन किया है कि नहीं किया अभी इसके रिपोर्ट्स तो नहीं देखने को मिले हैं। वेल WWE ने कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर कर दिया है, सो मे बी हमें देखने को मिल सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर सकते हैं एडम कोल या फिर ठुकरा भी सकते हैं। देखते हैं वैसे हमें क्या थिंग्स देखने को मिलता है, एंड मे बी मुझे लग रहा है कि एडम कोल हो सकता है WWE के साथ रहे, मे बी AEW के साथ भी जा सकते हैं, कोई चांसेस नहीं है यार, मतलब देखते हैं क्या थिंग देखने को मिलता है। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि रोंडा राउज़ी की तरफ से एक कॉमेंट्स देखने को मिला जो कि ब्रे वाइट के ऊपर, एंड इसके बाद तो भाई फैंस क्या एंग्री हुए, इसका मतलब कोई ठिकाना ही नहीं देखने को मिला। वेल यहाँ पे रोंडा राउज़ी ने जो ब्रे वाइट के चांस लग रहे थे रॉ के अंदर उसके ऊपर वहाँ पे उन्होंने कहा, एंड उसके बाद से उन्होंने फैंस को इडियट भी कह दिया जो कि तुम ट्वीट पे देख सकते हो, एंड इसके बाद भाई फैंस ने मतलब क्या ही बोले भाई, फैंस ने तो मतलब कहर मचा दिया उसके बाद। वेल इसके बाद जो हमें थिंग देखने को मिला ट्वीट पे तुम देख ही सकते हो जाके, जो कि मतलब इंटरेस्टिंग फैंस का रिएक्शन भी हमें देखने को मिला, एंड सो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि ब्रामा बुल द रॉक की तरफ से आ रही है, तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि द रॉक वेल उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि वेल द रॉक को जो उनका पुराना नाम था रॉकी मैविया, तो वेल वो नाम उनको पसंद नहीं था शुरुआती के दिनों में, एंड वो इस नाम को पसंद भी नहीं करना चाहते थे, एंड वो चाहते थे कि उनका कुछ अलग नाम हो। सो वेल इसी वजह से हमें उनका नाम देखने को मिला द रॉक, वेल जो कि अच्छी बात है क्योंकि रॉकी मैविया में भी द रॉक को पसंद नहीं था, सो वेल इसीलिए ये नाम हमें चेंज होते हुए दिखाई दिया। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि एवर राइस की तरफ से देखने को मिला, वेल अगर तुम लोग को नहीं पता है तो एवर राइस कौन है तो मैं तुम लोग को बता दूं, WWE NXT के अंदर एक टैग टीम थी जो कि हमें देखने को मिलती थी, एंड उनको रिसेंटली रिलीज कर दिया गया था WWE की तरफ से। सो वेल ये एवर राइस जो है वो हमें आज AEW के डार्क में डेब्यू कर
करते हुए दिखाई दे गए, जो कि आई थिंक इंटरेस्टिंग है। सो वेल, मतलब एवर राइज फाइनली उनको कोई जॉब मिला AEW के अंदर हमें देखने को मिले, जो देखते हैं कि फिर हमें क्या थिंग देखने को मिलता है इनके साथ में, इनका फ्यूचर हमें कैसा देखने को मिलता है। सो वेल, नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल, नेक्स्ट वन थिंग जो कि पॉल हेमन की तरफ से देखने को मिली रोमन रेंस के लिए। तो वेल, जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि वेल तो पॉल हेमन की तरफ से हमें कुछ डायरेक्शंस देखने को मिले रोमन रेंस के लिए। वेल, रोमन रेंस की जब किसी ने तारीफ की तो वेल उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए यहां पे पॉल हेमन ने लिखा कि रोमन इज गेटिंग रेडी फॉर दिस रन, गोइंग टू ले डाउन # ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लेवल परफॉर्मेंस एवरी सिंगल टाइम। एंड इसके बाद तो उन्होंने तारीफ भी की, एंड इसके बाद तो उन्होंने लास्ट में बिलीव दैट लगाया, जो कि ये थिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एंड यहाँ पे पॉल हेमन ने एक तरह से अच्छी खासी तारीफ भी की रोमन रेंस की। एंड यहाँ पे पॉल हेमन एंड रोमन रेंस का जो अलाइन है, ये तो मतलब एक बहुत ही अच्छा खासा साइन है ही रोमन रेंस एंड जो कि पॉल हेमन के जोड़ी को और भी अच्छा बनाता है। सो वेल, वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस थिंग के ऊपर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल, कौन सी न्यूज़ पसंद आई वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड हाँ, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।